नमस्कार, विनय क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है कि x+3 / x+2 = 3x - 7/2x - 3 के हल ज्ञात करने। अब हल ज्ञात कब होंगे? जब ये एक द्विघात समीकरण बनेगी। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो क्रॉस गुणा कराएंगे। तो एक्स प्लस तीन, इसका इसके साथ गुणा होगा तो 2x - 3 = इसका इसके साथ गुणा होगा 3x - 7 × x + 2। अब ब्रैकेट हटाने के लिए इन्हें और गुणा करना पड़ेगा, तो इस पद का इसके साथ गुणा, x × x, x^2 और आगे है 2x^2। फिर ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस × माइनस, 3 × x, 3x। दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस आएगा, 3 × 2 = 6x, + × −, −3 × 9 = इसको गुणा करेंगे तो 3x × x, 3x^2 + × +, + 3 × 2 = 6x। फिर ये माइनस और ये प्लस है, तो +× −, −7x, −× + वापस माइनस हो जाएगा, 7 × 2 = 14। अब जो सहचातीय पद है उन्हें हम जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ x^2 है, लेकिन यहाँ देखो x है दोनों, तो 2x^2, ये प्लस का और माइनस का घटेगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो 6 में से 3 गया, 3x - 9 = यहाँ 3x^2 है, ये प्लस का और ये माइनस का सहजातीय पद है, घटेगा, लेकिन अब यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1x आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है और माइनस के 14। अब ये पूरा पद इधर आएगा, तो पहले से हमारे पास यहाँ है 2x^2 + 3x - 9, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, −3x^2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस के प्लस हो जाएंगे 14 = 0। पूरा पद आ गया, इसलिए यहाँ क्या बचा, 0 बचा। अब जो सहजातीय पद उन्हें वापस जोड़ेंगे, घटाएंगे। अब देखो ये प्लस का 2x^2 और ये माइनस का 3x^2, घटेगा लेकिन माइनस का निशान आएगा, बचा क्या, −x^2, 3 में से 2 गया 1। ओके, अब ये 3x है और ये केवल x है, दोनों प्लस के हैं इसलिए ये भी जुड़ेंगे, तो हो गया +4x। अब ये माइनस का 9 और ये प्लस के 14, घटेंगे लेकिन प्लस का निशान आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो 14 में से 9 गए, पीछे कितने बच गए, 5 = 0। हमें यहाँ क्या करना है, प्लस लाना है, तो प्लस लाने के लिए इन सब को हम चिन्ह चेंज कर देंगे दोनों साइड में बराबर के, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये क्या बन गए, x^2 - 4x - 5 = 0। तो इस प्रकार से हमारे पास एक द्विघात समीकरण मिल गई। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणा कराने पर -5 और घटाने पर घटाएंगे, क्योंकि यहाँ कैसा निशान है, माइनस का, घटाने पर कितना आना चाहिए, −4। तो ऐसी क्या संख्या हो सकती है, 5 × 5, यानी इसके दो टुकड़े होंगे, 5x और 1x या x। तो घटाया, अब माइनस का निशान है, इसका मतलब माइनस का बड़ा और प्लस का छोटा, यानी हमारे गुणनखंड क्या हो गए, −5 और + x। व्यवस्थित करेंगे, x^2 - 5x + x - 5 = 0। ये हो गया, x कॉमन आएगा यहाँ पे, बचा क्या, x - 5। फिर यहाँ प्लस है तो अंदर क्या बचा, x - 5, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन = 0। x - 5 पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, x + 1 = 0। अब या तो x - 5 = 0 या फिर x + 1 = 0 या फिर x + 1 = 0। ये माइनस का उधर गया तो क्या हो गया, x = +5, और ये x = + उधर गया तो −1। इस प्रकार से दो गुणनखंड होंगे, एक तो 5 और एक −1। अब है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को हमें पूर्ण रूप से समझना होगा, तभी समझ में आएगा, यानी आप वीडियो को आगे नहीं कर सकते, एंड तक आपको वीडियो देखनी होगी, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। देखो प्रश्न क्या है, 4x^2 - 4a² x + a^4 - b^4 = 0। अब
हमें इसे सरल करने के लिए जो ये अंतिम पद है इसे पहले हमें सरल करना होगा, उससे पहले हमें इस चार को भी हटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इसको हमें गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्न को सरल करना है। क्या करना? सबसे पहला काम, देखो ये प्रश्न सबसे अलग है और प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है, सभी पदों में चार का भाग देना है। चार का भाग देने पर तो सब पदों में चार का भाग देंगे तो चार बट्टे एक्स की घात 2/4 माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स बट्टे 4 प्लस ए की घात 4 माइनस बी की घात 4/4 बराबर 0। यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या करना? x की घात 2 माइनस ए की घात 2 इंटू एक्स प्लस ए की घात 4 माइनस बी की घात 4/4। अब इसे सरल करेंगे, x की घात 2 माइनस ए की घात 2 इंटू एक्स प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, ए की घात 2 और इसकी भी घात 2, वापस गुणा हो जाएगा, वापस 4 बन जाएगा, माइनस b की घात 2 और इसकी भी घात कितनी 2/4, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक सर्वसमी का प्रयोग हो रही है। क्या सर्वसमी का प्रयोग हो रही है? कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ हमारे पास a क्या है? हमारे पास a पूरा a की घात 2 है और b क्या है? b की घात 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे सरल करेंगे, क्या स्थिति बनेगी? x की घात 2 माइनस a की घात 2 इंटू एक्स प्लस एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और दोनों को किस में लिखना? गुणे में। तो a की घात 2 प्लस b की घात 2, क्योंकि a क्या है? a है a की घात 2 और b क्या है? b की घात 2 इंटू a की घात 2 माइनस b की घात 2 बट्टे 4, ये बन गया। अब क्या हम यहाँ पर ये पद ला सकते हैं? तो इस प्रश्न को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि अब क्या करना है अपने को इसको सरल करने के लिए। यहाँ पर बीच वाले पद में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हैं? देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की घात 2 माइनस a की घात 2 इंटू एक्स, 2 का गुणा करो और 2 का भाग दो, वापस 2 कट जाएंगे, वापस हमें ये पद मिलेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको आगे समझ में आता जाएगा। प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2 इंटू a की घात 2 माइनस b की घात 2 बट्टे 4। आगे करेंगे, x की घात 2 माइनस, अब यहाँ कितने हैं? देखो आगे हम माइनस ले रहे हैं तो अंदर के निशान क्या होंगे? चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे? कि क्या मैं इसे अब ये लिख सकता हूँ, a की घात 2 प्लस a की घात 2 इंटू एक्स बट्टे 2 लिख सकता हूँ ना। वापस देखो ये दोनों जुड़ेंगे, वापस क्या मिलेगा? 2 a की घात 2, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसको आगे देखो, a की घात 2 प्लस b की घात 2 इंटू a की घात 2 माइनस b की घात 2 बट्टे 4। आगे यहाँ करूँगा, आगे क्या स्थिति बन रही है देखो, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की घात 2 माइनस a की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस b की घात 2, वापस b में से b गया, 0 हो गया। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ और ऐसा लिखना ही पड़ेगा तभी हमारा प्रश्न सरल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या होगा? और नीचे मेरे पास क्या चल रहा है? बट्टे 2 चल रहा है इंटू एक्स प्लस ये हो गया a की घात 2 प्लस b की घात 2 इंटू a की घात 2 माइनस b की घात 2 बट्टे 4 बराबर 0। 0 भी चल रहा है इस साइड में, बराबर 0। अच्छा, अब देखो इसे एक दूसरे को व्यवस्थित करके क्या कर सकते हैं अपन, x की घात 2 माइनस a के साथ b लाऊंगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 फिर प्लस एक बार a के साथ माइनस का b की घात 2 लाऊंगा बट्टे 2 इंटू एक्स प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2 इंटू a की घात 2 माइनस b की घात 2 बट्टे 4 बराबर 0। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आगे समझाना है प्रश्न को।
अब है एक्स की घात दो माइनस, अब क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ माइनस पहले से मेरे पास में है तो बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, इस पूरे से मैं लसप तोड़ रहा हूँ, और लसप तोड़ते हैं तब दो दोनों साइड में आ जाते हैं, क्या होगा ए की घात दो प्लस बी की घात दो बट्टे दो, लसप तोड़ दिया मैंने, फिर बीच में क्या है प्लस है, ए की घात दो माइनस बी की घात दो बट्टे दो, और इनटू इन दोनों का किससे गुणा हो रहा है एक्स से गुणा हो रहा है, उसके बाद प्लस मेरे पास ये है ही है पहले से, ए की घात दो प्लस बी की घात दो इंटू ए की घात दो माइनस बी की घात दो बट्टे चार। अब मैं कोष्टक खोलूँगा एक्स की घात दो, अब देखो ये माइनस का है, माइनस इंटू प्लस माइनस, और एक्स का भी गुणा होता जाएगा इससे, तो ए की घात दो प्लस बी की घात दो बट्टे दो इंटू एक्स, फिर प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ए की घात दो माइनस बी की घात दो बट्टे दो इंटू एक्स, एक्स का दोनों पद से गुणा हो गया और मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, उसके बाद प्लस ए की घात दो प्लस बी की घात दो बट्टे ए की घात दो माइनस बी की घात दो बट्टे चार। अब मेरे पास दो पद बन रहे हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद, पहले पद में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, पहले पद में कॉमन आ रहा है x, केवल x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो अंदर बचा x माइनस ए की घात दो प्लस बी की घात दो बट्टे दो, बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ यहाँ पे, और माइनस यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए की घात दो माइनस बी की घात दो इसमें भी और इसमें भी है, दो इसमें भी है दो इसमें भी है, तो बाहर में ले लेता हूँ ए की घात दो माइनस बी की घात दो बट्टे दो, ये पूरा पद मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा देखो x है, फिर प्लस इंटू माइनस, तो अंदर क्या आएगा माइनस, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है, ये पूरा पद बाहर आ गया, तो अंदर देखो यहाँ चार है यानी दो इंटू दो, दो बार आ गया, तो नीचे दो बचा, अब बचा क्या ऊपर a की घात दो प्लस b की घात दो बट्टे दो, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ये दोनों पद कॉमन आ रहे हैं, तो इन दोनों में से मैंने आगे यहाँ पर बराबर जीरो चल रहा है, ये भी आप याद रखना, बराबर जीरो चल रहा है, अब ये बड़ा वाला पद कॉमन आ गया x माइनस ए की घात दो प्लस बी की घात दो बटे दो, और अंदर बचा x माइनस ए की घात दो माइनस बी की घात दो बटे दो, बराबर जीरो, अब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तो पहले इसको जीरो के बराबर रखूंगा, तो ये माइनस का बराबर की इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ए की घात दो प्लस बी की घात दो बटे दो, और ये भी माइनस का है इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा ए की घात दो माइनस बी की घात दो बटे दो, तो इस प्रकार से दो हल मिलेंगे, पहला ये और दूसरा ये। प्रश्न बड़ा है, एक बार वापस देखना, अगर समझ में नहीं आए तो पक्का आपको समझ में आएगा, और स्क्रीन शॉट लेते रहना आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, ए इंटू बी एक्स की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर जीरो, ठीक है। अब पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पहले ही ब्रैकेट दे रखा है और एक्स का गुणा है, तो हमें एक आइडिया मिल गया, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो शायद मेरा प्रश्न सरल हो जाए, ए इंटू बी एक्स की घात दो प्लस बी की घात दो का एक्स से गुणा होगा, तो बी की घात दो इंटू एक्स, फिर ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर जीरो। अब देखो दो पद बन रहे, ठीक है, यहाँ कॉमन क्या क्या आ रहा है, बी इसमें है इसमें भी बी है, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो बी एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ए और एक्स, क्योंकि यहाँ घात दो थी, फिर प्लस बी एक्स बार आ गया, अंदर क्या बचा बी बचा, फिर देखो माइनस ले रहा हूँ और दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास में सी, ठीक है, तो अंदर क्या बचा ए एक्स, और क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और सी बार आया तो अंदर बचा बी बराबर जीरो। अब देखो दोनों में ये पद कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लो, ए एक्स प्लस बी इंटू अंदर क्या बचा बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो। अब या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, क्या होगा, या तो ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो या फिर बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो। अब ए एक्स बराबर ये प्लस का उधर गया तो क्या हो गया माइनस का बी, तो एक्स बराबर माइनस के बी बट्टे ए, और बी एक्स
ये माइनस का उधर गया, प्लस का सी हो जाएगा, और एक्स बराबर सी बटे गुणे में है तो भाग में आ जाएगा बी। तो हमारे पास दो गुणनखंड इसके मिल जाएंगे, सॉरी दो हल इसके मिल जाएंगे। एक पहला हल तो है माइनस बी बटा ए, और दूसरा हल क्या हो जाएगा, सी बटा बी। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न संख्या दो हुआ। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। गुड नाइट।